हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन प्री का एक पेपर, और ये सेट 22 है। ये पेपर हुआ था 16/8/2017 को इवनिंग शिफ्ट में। तो ये सीजीएल एग्ज़ाम के प्री के रियल क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ब्लॉग्स इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड आप इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, www.examini.in। इस वेबसाइट पर ब्लॉग सेक्शन में जाके आप मेरे सारे ब्लॉग्स इंग्लिश सेक्शन के लिए पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। एक ये स्पॉटिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अब इसमें देखिए, ही डिड नॉट गो, डिड के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये वाला पार्ट सही है आपका। टू द टेम्पल, टू द टेम्पल सही है। ऑन फुट, ऑन फुट जो फ्रेज है ये सही है, ऑन फुट, ऑन द फुट नहीं होता। उसी तरीके से बाय द कार नहीं होता, या तो हम बोलेंगे बाय कार, बाय एयर, बाय रोड, ठीक है, बाय द कार नहीं होता, क्योंकि बाय कार अपने आप में एक फ्रेज है। बाय द कार का मतलब होगा कि आप एक सर्टेन, एक स्पेसिफिक कार से गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं है। और वैसे भी ये फ्रेज है, तो फ्रेज में हम बाय कार बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो फ्रेज है, ये जो पार्ट है आपका गलत है, और सी इसमें आपका आंसर होगा। कुछ जो फिक्स फ्रेजेस होते हैं उसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे टू लूज हार्ट, लूज हार्ट का मतलब है कि डिसअपॉइंट हो जाना, निराश हो जाना। टू गिव ईयर मतलब सुनना किसी चीज को अच्छे तरीके से। एट होम मतलब घर पर होना। बाय मिस्टेक मतलब गलती से। बाय कार, बाय रोड, बाय एयर, इन सभी में हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, शी असेंडेड टू द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 7। असेंडेड, एक होता है असेंड, एक होता है डिसेंड, ठीक है। असेंड माने चढ़ना ऊपर, डिसेंड माने नीचे आना। डिसेंडिंग मतलब नीचे आने का प्रोसेस, असेंडिंग मतलब ऊपर आने का प्रोसेस। और असेंडेड का मतलब गद्दी पर बैठना, सिंहासन पर बैठना। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे तो उसके लिए ये प्रोसेस होता था असेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग द थ्रोन हम बोलते हैं, क्योंकि असेंडिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसके सीधे बाद, उसके डायरेक्ट बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। असेंडिंग द थ्रोन हम बोलेंगे, हम असेंडिंग टू द थ्रोन नहीं बोलेंगे। कुछ वर्ब्स में हम टू लगाते हैं, जैसे गेट टू द पॉइंट, गेट के बाद हम टू लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन असेंड के साथ हम टू नहीं लगाते। ये वर्ब पैटर्न्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ हम टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, और इसमें जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर टू में वो होगा बी, क्योंकि बी पार्ट में ये इसमें गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, और इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये फिलिप के क्वेश्चन है। नेहा मदर वॉज अनॉयड विद हर एज शी कुड नॉट। नेहा की जो मदर थी वो अनॉयड थी, वो उससे नाराज थी। अनॉयड का मतलब होता है नाराज होना। नाराज क्यों थी, उसका रीजन एज के थ्रू बताया गया है, एज शी कुड नॉट हर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो यहाँ पर आना चाहिए कि वो अपने एग्जाम को पास नहीं कर सकी। और एग्जाम को पास करने के लिए हम क्या बोलते हैं, एग्जाम को पास करने के लिए हम बोलते हैं गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज में सफलता हासिल करना, उसको हम बोलते हैं गेट थ्रू। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा गेट थ्रू। गेट से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस यहां पर मैंने दिए हैं। गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस टू स्टार्ट अ जर्नी, गेट ऑफ, ठीक है। एक जगह से, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना जर्नी स्टार्ट करने के लिए। गेट ऑन का मतलब है प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। गेट ऑन विथ का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ आपका अच्छा तालमेल होना, उसके साथ फ्रेंडशिप होना, उसको हम बोलते हैं गेट ऑन विथ। और गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सेसफुल होना किसी भी चीज में। तो इस तरीके से ये फ्रेजल वर्ब्स इस तरीके से पूछे जाते हैं, गेट ऑफ, गेट ऑन विथ और गेट थ्रू। तो यहां पर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा गेट थ्रू। आई शेल हर इफ शी अपोलोजाइजेज टू मी फॉर हर मिस बिहेवियर। यदि वो अपनी, अपने मिस बिहेवियर के लिए मुझसे एपोलॉजी मांगती है, मुझसे माफ़ी मांगती है, तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। आई शैल फॉरगिव हर इफ़ शी एपोलोजाइजेज टू मी फॉर हर मिस बिहेवियर। एपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। अब देखिए, पार्डन का मतलब भी माफ़ी मांगना है, फॉरगिव का मतलब भी माफ़ी मांगना है, तो इन दोनों में से कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो सही वर्ड आएगा वो होगा फॉरगिव, क्योंकि पार्डन क्या है, एक ऑफिशियल वर्ड है।
किसी व्यक्ति को जब सजा मिलती है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई भी गवर्नमेंट होती है या कोई भी प्रेसिडेंट होता है, वो उसको पार्डन करता है। तो पार्डन एक एक ऑफिशियल वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पार्डन वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर फॉरगिव वर्ड सही रहेगा। पनिश का मतलब सजा देना होता है और रेप्रीमांड का मतलब होता है डांटना किसी व्यक्ति को, रेप्रीमांड, ठीक है। पार्डन होता है ऑफिशियल फॉरगिविंग, फॉरगिव होता है नॉर्मल फॉरगिविंग, और रेप्रीमांड का अर्थ होता है डांटना। तो इस तरीके से इनमें ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर सिनोनिम्स आपको बताना है, सिमिलर वर्ड आपको बताना है। इबुलियंट, इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, EBULLIENT, इबुलियंट। इबुलियंट होता है बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल, हैप्पी और एक्साइटेड व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं इबुलियंट। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक यहाँ पर आपका आंसर होगा। इबुलियंट के यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग दिए चीयरफुल, हैप्पी और एक्साइटेड, ये होगा इबुलियंट का। इबुलियंट को एक सेंस में हम और यूज़ करते हैं, जैसे पानी होता है, समुद्र का पानी है, बहुत ज़्यादा उसमें गर्म है या उसमें उफान आ रहा है, तो उस सेंस में भी हम इबुलियंट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डिसीटफुल मतलब जिसमें जो जेन्युइन नहीं है, जो असली नहीं है, जो सही नहीं है, जिसमें धोखाधड़ी है, उसको हम बोलते हैं डिसीटफुल, डिसीटफुल बिहेवियर, ठीक है। प्रेजुडिस का मतलब होता है बायस या डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव या पक्षपात, उसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस, प्रेजुडिस, या इसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं प्री कंसीव्ड ओपिनियन या प्री कंसीव्ड नोशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, इबुलियंट का सही आंसर होगा आपका इंथुजियास्टिक। ट्रकुलेंट, ट्रकुलेंट एक्चुअली एक व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो बैड टेम्पर्ड है, एग्रेसिव है, हमेशा लड़ने के बारे में सोचता रहता है, लड़ाकू टाइप का है, उसको हम बोलते हैं ट्रकुलेंट। हालांकि ऑप्शंस में इसमें फेरोसियस दिया है, तो फेरोसियस मिलता जुलता मीनिंग आप बोल सकते हैं। हालांकि फेरोसियस जो जंगली एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उसके लिए ये फेरोसियस वर्ड यूज होता है। फेरोसियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयानक या बहुत ज़्यादा खतरनाक या डरावना, उसको हम बोलते हैं फेरोसियस। जैसे शेर होता है या चीता होता है, उसको हम बोलते हैं फेरोसियस। तो फेरोसियस एक्चुअली ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो फेरोसियस को ही आप सही आंसर मानेंगे। हालांकि ट्रकुलेंट का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड या एग्रेसिव, तो फेरोसियस थोड़ा सा क्लोज है इसमें, एकदम से करेक्ट मीनिंग नहीं है इसका, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर फिर यही इसमें होगा। लग्जूरियस मतलब जो लेविश है, कंफर्टेबल है। लसियस मतलब जो डिलीशियस है, जूसी है या सकलेंट है। सकलेंट की स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डिलीशियस यहाँ पर एक वर्ड दिया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रकुलेंट का होता है बैड टेम्पर्ड, लसियस का होता है डिलीशियस, लग्जीरियंट का मतलब होता है एबंडेंट। देखिए लग्जीरियस और लग्जीरियंट, इन दोनों में डिफरेंस है। लग्जीरियस का मतलब होता है जो काफ़ी लेविश है, काफ़ी कंफर्टेबल है, जबकि लग्जूरियंट का मतलब होता है एबंडेंट, मतलब पर्याप्त, ठीक है। लग्जूरियंट तो एबंडेंट, कॉपियस, प्लेंटीफुल, ये इसके सिनोनिम हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इसको आप ध्यान रखिए। लग्जूरियंट का मतलब एबंडेंट होता है और लग्जूरियस का मतलब लेविश होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं। निगार्डली, ये वर्ड तो काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है एसएससी एग्जाम में। निगार्डली का अर्थ होता है कंजूस। और एंटोनिम क्या होगा, यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है। मिंगी तो एक्चुअली इसका सिनोनिम है, और जो कंजूस नहीं होता वो जेनरस होता है, मतलब पैसा खर्च करने में उसको दिक्कत नहीं होती, वो डोनेट करता है पैसे को अच्छे कामों में, तो उसको हम जेनरस बोलेंगे। तो निगार्डली का एंटोनिम यहाँ पर जेनरस होगा। सिनफुल मतलब जो विकिड है या इमोरल है, जो अनैतिक काम करता है, उसको हम बोलते हैं सिनफुल। और इन एफिशियंट मतलब जिसमें एफिशिएंसी की कमी है, जो लैकिंग एफिशिएंसी है, उसको हम बोलेंगे इन एफिशियंट। तो निगार्डली का यहाँ पर सही एंटोनिम जो होगा वो होगा जेनरस। डिसिडेंट कौन होता है, देखिए काफ़ी सारे इसमें अच्छे लेवल के वर्ड्स दिए हैं। डिसिडेंट, डिसिडेंट अ पर्सन हु अपोजिस अ एस्टेब्लिश्ड सिस्टम, मतलब डिसिडेंट एक डिससेटिस्फाइड व्यक्ति होता है जो एस्टेब्लिश सिस्टम को अपोज करता है, ठीक है। इसके लिए दो सिनोनिम है, हेरेटिकल है और अनकन्फर्मिटी है। नॉन कन्फर्मिस्ट इसको आप बोल सकते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट, ठीक है। इसके लिए जो एंटोनिम है वो हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स। एलियनेटेड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो अकेला फील कर रहा है, मेक समवन फील आइसोलेटेड, स्ट्रेंज और डिटैच, जो अलग थलग पड़ गया है, अकेला फील करता है, उसको हम बोलते हैं एलियनेटेड। आइकोनोक्लास्ट
A person who attacks or criticizes cherished belief. एक ऐसा व्यक्ति जो establish system को तोड़ता है, जो icons को तोड़ता है, उसको हम बोलते हैं iconoclast. तो इसके लिए दो word हैं, bohemian भी बोलते हैं इसको हम, और heretic भी बोलते हैं. इसका जो antonym होगा bohemian का, वो होगा conformist. ठीक है, divisive का मतलब है जो divide करना चाहता है लोगों को, जो लोगों को तोड़ना चाहता है या hostile है, उसको हम बोलेंगे divisive. तो dissident का यहाँ पर antonym क्या होगा? Dissident का antonym होगा orthodox, क्योंकि dissident होता है unorthodox. ठीक है, bear the palm, ये idiom भी repeat हुआ है, ये मैंने कुछ last papers में भी इसको discuss किया था. bear the palm का मतलब होता है to win, जीत जाना. ठीक है, और आगे चलते हैं, कुछ questions और देखते हैं. to give the devil his due, to give the devil मतलब होता है राक्षस, और राक्षस मतलब बुरा आदमी. तो to give the devil his due का मतलब है कोई आदमी ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका नेचर खराब है, जिससे लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते, जिसके काम खराब है, लेकिन कभी भी कोई अच्छा काम कर देता है, कोई उसकी अच्छाई बाहर निकल के आती है, तो हम बोलते हैं कि अब इस devil का जो due है, devil ने जो अच्छा काम किया है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा. to give the devil his due, यही इसका मतलब है. तो इसका मतलब होगा to give credit to even a notorious person, ये इसका यहाँ पर मतलब होगा. ठीक है, यहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है नीचे, इसको भी आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं, और नो सूनर के साथ दो रूल्स अप्लाई होते हैं. एक तो नो सूनर चूंकि निगेटिव वर्ड है या निगेटिव फ्रेज है, तो इसके साथ आप पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे. इसमें सब्जेक्ट इन्वर्जन का रूल अप्लाई होगा. पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा. नॉर्मली पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है. लेकिन किसी सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड है या निगेटिव फ्रेज है तो उसमें उल्टा होता है, उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा. तो नो सूनर के साथ आपको दो रूल अप्लाई करने हैं. एक तो इसमें देन आता है, तो देन तो यहाँ पर सही है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर, तो इसमें आपका आंसर होगा नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपियर. तो डेड चूंकि फर्स्ट फॉर्म है, देखिए नो सूनर के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो पहले यहाँ पर डेड आया है, डेड के बाद फिर सब्जेक्ट आया है एडवर्टाइजमेंट. और डेड के साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है, तो इसमें ये तीनों चीज़ें सही हैं बी में. नो सूनर के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है, और फिर डेड के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आई है. तो ये तीनों चीज़ें ही सही होनी चाहिए नो सूनर के साथ, ये आप ध्यान रखिए. तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. द इक्विपमेंट इज अडेप्टेड टू कॉटन इंडस्ट्री. देखिए अडेप्टेड के कई मीनिंग होते हैं. अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट करना एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो उस सेंस में अडेप्ट के बाद टू हम लगाते हैं अडेप्टेड. लेकिन किसी चीज में आप फिजिकल चेंजेस कर रहे हैं या उसको मैकेनिकली उसको चेंज करके किसी दूसरी चीज के लिए सूटेबल बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टेड फॉर. ठीक है, यदि कोई चीज़ एक्स है और उसको बाई के लिए हम अडेप्ट कर रहे हैं कि एक्स जो है जिसको और कुछ काम करना चाहिए लेकिन हम बाई नामक काम के लिए उसको अडेप्ट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, उसमें उसको मोल्ड कर रहे हैं, उसमें फिजिकल और मैकेनिकल चेंजेस कर रहे हैं, तो उस सेंस में फिर हम बोलते हैं अडेप्टेड फॉर. ठीक है, अडेप्टेड टू एक्चुअली अडेप्टेड टू थोड़ा सा ह्यूमन रिलेटेड वर्ड है. ये ह्यूमन सिचुएशंस के लिए हम अडेप्टेड टू लगाते हैं. ठीक है, तो अडेप्टेड टू नहीं होगा इसमें, अडेप्टेड फॉर होगा. तो ए डी ए पी टी, अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट करना, और ए डी ई पी टी भी होता है अडेप्ट, जिसका मतलब होता है स्किलफुल अडेप्ट. और अडॉप्ट का मतलब किसी व्यक्ति को अपनाना, अडॉप्ट करते हैं, जैसे चाइल्ड को हम अडॉप्ट करते हैं. तो लीगली किसी को जब हम अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए अडॉप्ट वर्ड आता है ए डी ओ पी टी. ए डी ए पी टी मतलब अपने आप को एडजस्ट करना, और ए डी ई पी टी भी होता है जिसका मतलब होता है स्किलफुल. ठीक है, तो ये सारे मीनिंग्स मैंने आपको बताए यहाँ पर. और नॉर्मल सिचुएशंस में हम टू लगाते हैं, अपने आप को ढालना वातावरण के अकॉर्डिंग, एटमोसफियर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेड टू. लेकिन फिजिकल सेंस में जब हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं, उसमें मैकेनिकल चेंजेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टेड फॉर. तो अडेप्टेड फॉर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा. One who loads and uploads ships.
जो शिप्स पर अपलोडिंग करता है और शिप्स पर से सामान उतारता है, चढ़ाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये प्रीवियस पेपर्स में पहले भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं SSC एग्जाम में। स्टीप डोर इसको हम बोलेंगे, स्टीप डोर इसका आंसर होगा। ट्रांसग्रेसर मतलब जिसने किसी रूल को तोड़ा है या जिसने किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। लैपिडिस्ट जो स्टोन्स का काम करता है, जो रत्न होते हैं, ठीक है, उसका जो काम करता है, प्रेसियस स्टोन्स या जेम स्टोन्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं लैपिडिस्ट। रेटिसेंट मतलब जो रिजर्व नेचर का है, जो ज़्यादा नहीं बोलता है, उसको हम बोलते हैं रेटिसेंट। तो सही आंसर होगा यहाँ पर स्टीप डोर, ठीक है। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू वॉट इज जनरली एक्सेप्टेड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है उसके खिलाफ कुछ काम करना। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसी चीज़ के विरुद्ध होना, किसी चीज़ के अगेंस्ट होना, और कॉन्ट्रेरी के बाद हम टू लगाते हैं, तो कॉन्ट्रेरी टू का मतलब होगा कि किसी एस्टेब्लिश्ड बिलीफ के अगेंस्ट काम करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेयर से। तो हेयर से इसका सही आंसर होगा। इनकॉग्निटो का मतलब होता है अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा लेना, उसको हम बोलते हैं इनकॉग्निटो, ठीक है। कोई वेश धारण कर लेना, कोई अपना रूप बदल लेना, उसको हम बोलते हैं इनकॉग्निटो। इनवोकेशन का मतलब होता है मदद के लिए गुहार लगाना, मदद के लिए, हेल्प के लिए गुहार लगाना, उसको हम बोलते हैं इनवोकेशन। और इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा इनकेंटेशन। मर्सिनरी मतलब जो केवल पैसे के लिए काम करता है, उसको हम बोलते हैं मर्सिनरी। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं और फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें TOMORROW टुमारो सही है, OCCURENC अकरेंस में एक्चुअली डबल सी भी आता है, डबल आर भी आता है, तो अकरेंस की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। प्रेफरेबल सही है, टेम्परेचर सही है, अकरेंस में डबल आर आता है, तो यहाँ पर सही स्पेलिंग होगी आपकी OCCURENCE, और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड RECEDING। रिसीडिंग में डबल ई नहीं आता, रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे हटना, तो रिसीडिंग यहाँ पर आंसर है। सीमेट्री जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सीमेट्री। और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होता है रेक्टेंगल, रिहर्सल का मतलब रिहर्स करना, इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिहर्सल REHEARSAL। तो रिसीडिंग यहाँ पर गलत स्पेलिंग है, रिसीडिंग यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पैराजंबल का क्वेश्चन देखते हैं, और ये पूरी तरीके से लॉजिक पर आधारित होता है पैराजंबल, तो इसमें हम देखते हैं लेटस इफ नहीं होगा पैराग्राफ, दिस से भी शुरू नहीं होगा, क्योंकि दिस एक होता है, इफ से शुरू नहीं होगा, इन दोनों में से किसी एक से शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हैविंग डिस्कस्ड द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल लाइफ, हैविंग डिस्कस्ड एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है कि हैविंग प्लस V3, ठीक है, तो इसका मतलब एक काम खत्म हो गया। तो एक काम खत्म होने के बाद हम बोल रहे हैं लेट अस कंसीडर द विलेज आर्टिसन, मतलब हैविंग डिस्कस्ड द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल लाइफ, गांव की लाइफ की प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद चलो हम कंसीडर करते हैं जो गांव के जो आर्टिसंस होते हैं, जो कलाकार लोग होते हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं। तो S और Q ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब ये मैंडेटरी पेयर इसका एक बन रहा है कि इस सेंटेंस के बाद यही आएगा। और S और Q इसमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, A में, तो A इसका आंसर होगा। PR देखते हैं, PR में क्या है, ये है P और R। देखिए, दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड, दिस मतलब एक प्रोनाउन है, इसका मतलब ये है कि इसने किसी नाउन को रिप्लेस किया है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बाद में आएगा और पहले ये सेंटेंस आएगा। ये एक सही तरीका है पैराजंबल को करने का, इस तरीके से पैराजंबल किया जाता है कि मैंने आपको बताया कि एस क्यू का एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है। आपको पूरा पैराग्राफ, पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल लॉजिक इसमें अप्लाई करना होता है। तो एस क्यू मैंने बताया कि एस क्यू किस तरीके से मैंने कनेक्ट किया कि पहले एक काम होता है, एक काम के बारे में बोलते हैं, फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि लेट अस कंसीडर द ब्लेज आर्टिसन, अब हम ब्लेज आर्टिसन को कंसीडर करते हैं। तो S और Q का एक मैंडेटरी पेयर यहां पर बन रहा है, तो S Q P R ये इसका सही आंसर यहां पर होगा। अब इसमें भी देखिए सेम आप लगा सकते हैं लॉजिक, जैसे देयरफॉर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, और यहां पर देखिए लिखा है दीज स्कूल्स, दीज स्कूल्स मतलब ये प्रोनाउन है दीज स्कूल्स, इसके पहले नाउन आया होगा,
तो नाउन इसमें कहाँ पर है ये देख लेते हैं हम, एग्रीकल्चर शुड बी मेड कंपल्सरी इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स। देखिए हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं दीज स्कूल्स, ठीक है, यानी आर और क्यू का इसमें एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है। चलिए पहले यहां से हम देखते हैं, एग्रीकल्चर शुड बी मेड कंपल्सरी इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, ऑल्टरनेटिवली द अर्बन स्टूडेंट्स कैन बी टॉट टाउन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल प्लानिंग एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के बाद बारे में बात बोल रहे हैं, तो इसके बाद हम ये वाला सेंटेंस भी लगा सकते हैं आर, इसके बाद एक्चुअली हम ये वाला बोलेंगे पहले, क्योंकि इसमें भी हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात की है। एग्रीकल्चर शुड बी मेड कंपल्सरी इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, ऑल्टरनेटिवली द अर्बन स्टूडेंट्स कैन बी टॉट टाउन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल प्लानिंग एटसेट्रा। प्रैक्टिकल फार्मिंग इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मिंग दीज स्कूल्स। अब देखिए यहां हम बोल रहे हैं कि दीज स्कूल्स नीड नॉट नेसेसरली हैव देयर ओन फार्म्स बिकॉज द विलेज इटसेल्फ विल प्रोवाइड एम्पल फील्ड वर्क फैसिलिटी। मतलब स्कूल्स के अपने फार्म होना जरूरी नहीं है, क्योंकि गांव के जो लोग होंगे वो अपनी जमीन दे देंगे प्रैक्टिकल वर्क के लिए। तो इसलिए क्यू के बाद आप यहां पर बोल सकते हैं देयर फोर एट दिस स्टेज, यानी क्यू और एस का एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है क्यू और एस। तो पहले आ जाएगा इसमें आर पी और उसके बाद आ जाएगा क्यू एस, ठीक है, आर पी और उसके बाद आ जाएगा क्यू एस, यानी यहां पर आपका सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है आर पी क्यू एस। तो इस तरीके से लॉजिकली इनको कनेक्ट आपको करना है। पैसिव एक्टिव वॉइस है आई सॉ हिम लीविंग द मूवी थिएटर, आई सॉ हिम लीविंग, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हिम आई इसमें सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और फिर आगे है इसमें आई सॉ हिम लीविंग। तो आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो हिम से बनेगा, हिम जब इधर जाएगा तो ही हो जाएगा, ठीक है, आई सॉ हिम लीविंग का हो जाएगा ही वो सीन, सॉ का सीन हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ही वो सीन यहां पर आएगा, वो इसमें सही आंसर होगा। ही वो सीन इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें ही वो सीन लीविंग होगा एक्चुअली, तो इसमें टू बी है, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ही वो सीन लीविंग द मूवी थिएटर बाय मी, तो इसमें ए आपका सही आंसर होगा। ये नरेशन का क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट गर्ल्स, प्रिंसिपल ने गर्ल्स से कहा कि गर्ल्स स्टूडेंट से बोल रहे हैं प्रिंसिपल कि शांत रही है, तो यहां पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं, तो यहां पर एक्चुअली जब इंपेरेटिव आप बनाएंगे तो इसमें आप बोलेंगे टू बी क्वाइट, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर द प्रिंसिपल कमांडेड द गर्ल्स टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट इसमें आ रहा है केवल और किसी में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। ये आपका क्लोज टेस्ट है, इसको देखते हैं, मॉडर्न मैन इज इम्प्रिजेंट बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है इम्प्रिजेंट, इम्प्रिजेंट का मतलब होता है कैद में बंद होना, जेल में बंद होना, कैद में बंद होना, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि मॉडर्न मैन जो है, जो आज का जो व्यक्ति है, वो एक टाइम टेबल और रूटीन में बंधा हुआ है, उसके अंदर बंद है वो। तो मॉडर्न मैन इज इम्प्रिजेंट बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन, हिज लाइफ इज ऑल केयर एंड, उसकी जो लाइफ है वो अपनी घर गृहस्थी की चिंता फिक्र में ही निकल जाती है। ऑल केयर, केयर के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा, केयर के साथ यहां वर्ड जुड़ेगा वरी, क्योंकि एंग्जाइटी थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है और एंग्जाइटी एक्चुअली एक डिजीज को भी हम बोलते हैं, तो यहां पर किसी बीमारी की बात नहीं हो रही है, यहां पर एक जनरल वर्ड आपको चाहिए जो कि केयर से रिलेटेड हो, तो जनरल वर्ड जो है वो है वरी, तो यहां पर सही आंसर आपका होगा वरी। मॉडर्न मैन इज इम्प्रिजेंट बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन, हिज लाइफ इज ऑल केयर एंड वरी, ही डज नॉट हैव फॉर एनी थिंग, तो यहां पर तो टाइम ही आएगा, ही डज नॉट हैव टाइम फॉर एनी थिंग, उसके पास किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, ही डज नॉट हैव टाइम फॉर एनी थिंग बट हिज ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन फॉर, लेकिन उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो काम धंधा है, फॉर उसकी जो ड्यूटी होती है किस चीज़ के लिए होती है, या उसका जो काम धंधा होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, वो होता है मेकिंग मनी, पैसा कमाने के लिए। मिंटिंग एक्चुअली निगेटिव सेंस में अब यूज करते हैं, इसलिए मिंटिंग वर्ड नहीं आएगा, मिंटिंग मनी मतलब निगेटिव तरीके से पैसा को कमाना, कलेक्ट और स्पेंडिंग नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑक्यूपेशन और ड्यूटीज का संबंध मेकिंग मनी से है, कलेक्टिंग या स्पेंडिंग मनी से नहीं है।
तो मेकिंग मनी होगा यहां पर, बट इस ड्यूटी इज एन ऑक्यूपेशन फॉर मेकिंग मनी. मैन इन ऑल मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज, मतलब सभी जगह एक व्यक्ति इस डिजीज के लिए प्रोन हो सकता है. प्रोन मतलब वो बीमारी उसको जल्दी लग जाती है, मतलब एक व्यक्ति इस डिजीज के लिए प्रोन हो सकता है. प्रोन मतलब इससे अफेक्टेड हो सकता है वो. तो इन ऑल स्फीयर्स होगा, इन ऑल स्ट्रीम्स होगा, इन ऑल एरियाज होगा. क्या होगा देखिए, स्फीयर, स्ट्रीम्स और एरियाज ये ऑलमोस्ट सेम वर्ड हैं. स्फीयर का मतलब होता है एरियाज, तो इसलिए इन तीनों में से एक भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों सेम वर्ड हैं. उस वर्ड का अलग होना जरूरी है, ठीक है. स्फीयर का मतलब क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कोई काम करता है, अलग अलग एरियाज में कोई काम करता है. तो स्फीयर्स और एरियाज ये सेम वर्ड हैं. स्ट्रीम्स भी ऑलमोस्ट सेम ही वर्ड है. एजेज यहाँ पर सही होगा, ठीक है. मैन इन ऑल एजेज मे हैव बीन प्रोन. प्रोन का मतलब है कि उस चीज़ से वो जल्दी अफेक्ट होगा, और प्रोन के बाद हम टू लगाते हैं. मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज एंड इन डीड वी इन इंडिया मे नॉट हैव बीन बाय इट. मतलब हो सकता है इंडिया में हम इस चीज़ से उतने ज़्यादा अफेक्टेड ना हो जितने कि वेस्टर्न कंट्रीज में हों. तो इन्फेक्टेड तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन्फेक्टेड तो हम इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो इन्फेक्शन की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर. एकम्पनेट किसी के साथ जाना, तो वो इसमें बात नहीं हो रही है. एसोसिएट नहीं आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा इन्फ्लिक्टेड. इन्फ्लिक्टेड मतलब किसी निगेटिव चीज़ का आपके ऊपर प्रभाव पड़ना, किसी निगेटिव चीज़ का आपके ऊपर इम्पोज होना, तो इसलिए इन्फ्लिक्टेड यहाँ पर आपका सही वर्ड होगा. वी इन इंडिया मे नॉट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय इट. यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको चाहिए, और एसोसिएट में थर्ड फॉर्म नहीं है. इनफैक्ट गलत सेंस में यूज़ हो रहा है. एकम्पनेट का मतलब होता है साथ में जाना, तो इसलिए यहाँ पर इन्फ्लिक्टेड वर्ड एकदम सही होगा. तो इस तरीके से मैंने इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. ये प्री के क्वेश्चन हैं, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको फोर्थकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे. और इस वीडियो क्लास में इतना ही, और आप मेरे ब्लॉग्स जरूर जरूर पढ़ें. www.examinee.in इस वेबसाइट पर आप जाएँ ब्लॉग सेक्शन में, वहाँ पर इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैं अभी लिख रहा हूँ. अभी 6 या 7 ब्लॉग्स हैं, लेकिन काफ़ी सारे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनको आप ज़रूर देखें मोबाइल पर, लैपटॉप पर और पीसी पर अपने खाली टाइम में, और इनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.